मेरा मनीषा बबलू गुप्ता नाम है। मेरा जो सच है कि मैं HIV पॉजिटिव नहीं हुई या हूँ, वो सच है। सबसे बताती हूँ कि मैं HIV पॉजिटिव, जो मेरे साथ में ज़्यादा रिलेशन रखता है ना, उससे मैं पहले बताती हूँ कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो 2-4 महीने के बाद में मुझे ऐसा गुप्त रोग तकलीफ़ होने लगी। फिर मैं पेट से रही और जब मेरा 8वां महीना 7वां महीना था तभी ब्लड टेस्ट किया, उसमें मुझे भी पता चला। और उसी समय पे मेरा आदमी एकदम सीरियस था, तो वहाँ के डॉक्टर ने मेरे जेठ और देवर के सामने ये बात बता दी कि ये HIV पॉजिटिव हैं। तो मेरे आदमी को बहुत तकलीफ़ हुई, तो फिर मैं, वो बीमार थे बहुत ज़्यादा, तो मैं उन्हें कुछ बोली नहीं। और गणपति के समय पे मेरा लड़का एक्सपायर हो गया। मेरा आदमी शायद उससे, मेरे से ज़्यादा बच्चे का एक्सपायर होना बहुत ज़्यादा उसको तकलीफदायक हुआ। उसका ही टेंशन ले ले के आदमी मेरा बीमार हुआ और 1.5 महीने के बाद, ठीक 1.5 महीने के बाद आदमी भी मेरा एक्सपायर हो गया। ससुराल वालों से बहुत मैंने हेल्प मांगी। एक भिखारी जैसे भीख मांगता है ना, तो उसे लात मार दिया जाए, ऐसे मेरे साथ में हुआ था। मेरे ऊपर ऐसा कलंक लगाया गया था कि मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। ये फोटो से तो मैं पूरे देश में, पूरे संसार में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब लोग, जिसे मालूम चलता है कि हाँ हमें HIV है, तो सबसे पहले वो, उसे जैसे मालूम चलता है वो अपना दवा तुरंत करवाए। और जब समय से दवा लेता रहेगा तो वो पानी जैसे उसमें डाला जा रहा है वो दवा है। और ये जो पानी निकल रहा है बाहर, HIV के विषाणु हैं। मुझे ऐसा लगता है कि HIV को लेके लोगों के मन में भेदभाव है कि इसके पास जाने से या खाने से या पीने से, जिन्हें जानकारी नहीं है वो ही ऐसा करते हैं, और जो जानते हैं वो हमें, हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और मैं फ़ोटो से या आपके ज़रिए बात करके लोगों को मैसेज भी दे सकती हूँ कि हम किसी से कम नहीं हैं। HIV है तो क्या हो गया, हमारा हर चीज़ का अधिकार है। हम जी सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, हम हर चीज़ में, हमारा जैसे आम लोगों का अधिकार है वैसे हमारा भी अधिकार है। आप लोग भी आगे आवाज़ उठाइए, हाथ उठाइए, किसी से डर के या किसी से दब के या HIV कुछ ऐसा हमने कुछ पाप किया है ऐसा सोच के कभी पीछे मत हटो। और मैं बिंदास जी रही हूँ, मैं एकदम अच्छी हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जैसे, मेरी कहानी देखते सुनते उन्हें भी इतनी हिम्मत आनी चाहिए और मेरे जैसा वो भी लड़के आगे बढ़ने चाहिए।